हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जैन एंड वेज रेसिपीज़ कुकिंग विद पिंकी में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है मिर्ची का इंस्टेंट अचार। ये तीखा खट्टा बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप रोटी, पराठे, दाल, राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मिर्ची का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर लगभग 250 ग्राम एकदम फ्रेश और हरी मिर्ची ली है। ये देखिए, इसका डंठल देख के एकदम फ्रेश है। हमें एकदम फ्रेश मिर्ची ही लेनी है। अभी हम ऊपर से इसको इस तरह से कट कर देंगे। हमें इसके बीज नहीं निकालने हैं, सिर्फ ऊपर से इसे हमें इस तरह से कट करना है। अभी हम मिर्ची को इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो पूरी मिर्ची भी भर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर ये इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लिए हैं मिर्ची के। ये खाने में भी इजी रहते हैं। इसी तरह से हम सारी मिर्ची को कट कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हमने सारी मिर्ची को कट कर लिया है। अभी हम एक कांच का जार लेंगे, ये एकदम सूखा होना चाहिए। अभी हम सारी मिर्ची को इस जार के अंदर डाल देंगे। मिर्ची को हमने इस तरह से इसमें भर लिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे 2 छोटे चम्मच नमक और 1 नींबू का रस। अभी इस पे ढक्कन लगाकर हम इस तरह से हिलाकर इसे मिक्स कर लेंगे। नींबू और नमक एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम इसे लगभग 1 से 2 दिन के लिए इसे नींबू और नमक में गलने देंगे। लगभग 2 दिन हो गए। ये देखिए, मिर्ची हमारी एकदम अच्छे से गल गई है। अभी इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी हींग। अभी हम 2 छोटे चम्मच राई और 2 छोटे चम्मच सौंफ लेंगे। उनको हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। मिक्सी में हमने इसे थोड़ा सा इस तरह से दरदरा पीस लिया है। एकदम बारीक पाउडर हमें नहीं करना है। अभी हम ये इसमें डाल देंगे। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर लगभग 2 नींबू का रस और डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सभी मसाले हमारे एकदम अच्छे से मिक्स हो गए हैं। हमारा मिर्ची का खट्टा और तीखा अचार तैयार है। इसे आप रोटी, पराठे, दाल, राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अभी इसे हम फिर से एक कांच के बोतल में भर देंगे और इसे आप जब भी मन चाहे खा सकते हैं। ये कांच की बोतल में ख़राब नहीं होता है। जहाँ तक हो सके आप इसे कांच की बोतल में ही भरें। हमारा अचार तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।